नागदा में शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर काम करने वाली एक निजी संस्था को पुरस्कृत किया गया। संस्था के कार्यों की सबने तारीफ भी की। संस्था एजुकेशन वर्ल्ड द्वारा मुंबई में आयोजित गरिमापूर्ण समारोह में यश पब्लिक स्कूल को शिक्षा अवार्ड से सम्मानित किया। यह पुरस्कार डॉक्टर ललित एस कनाड़िया, एग्जीक्यूटिव फाउंडर सीईओ ऑफ टाटा कंसल्टेंसी, चीफ गेस्ट स्टीव हार्डले, को फाउंडर सीईओ वार्था कुलभूषण शर्मा, अध्यक्ष निशा ने असिस्टेंट डायरेक्टर कैप्टन आयुष जैन, सलोनी जैन को मुंबई 26 फरवरी को निजी होटल में दिया। स्कूल संचालक यशवंत वागरेचा एवं मीना वागरेचा ने संयुक्त रूप से बताया कि दूसरे चरण में 300 स्कूल ही शेष बचे हैं। इनमें से 143 स्कूलों को पुरस्कृत किया गया है। अवार्ड हासिल करने के बाद प्रथम नगर आगमन पर स्कूल के विद्यार्थियों एवं शिक्षक स्टाफ ने रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर जैन का पुष्पमालाओं से स्वागत किया। इस दौरान सारिका शर्मा, संध्या विश्व सहित स्कूल स्टाफ मौजूद रहा। ये एजुकेशन वर्ल्ड ने पूरा प्रोग्राम रखा था, उसके अंदर 4 लाख स्कूल को पहले सिलेक्ट करा फर्स्ट राउंड में, फिर 300 स्कूल को उसको मैं सेकंड राउंड में सिलेक्ट करा, उसमें 143 स्कूल को उनको अवार्ड दिया गया। उसके अंदर हमारा एमपी के अंदर हमारा स्कूल यशवंत स्कूल को 6th पोजीशन का अवार्ड मिला। सेकंड उसको 57 रैंकिंग मिली ऑल इंडिया लेवल पे, और नागदा में फर्स्ट लेवल पे उसकी रैंकिंग मिली। सेकंड जो हमारा वर्तमान स्कूल में उसको स्पेशल मेरिट अवार्ड मिला, कंटिन्यूस टाइम से मेरिट देने के लिए उन्होंने स्पेशल मेरिट अवार्ड दिया। और इसमें जो बड़े बड़े चीफ गेस्ट आए हुए थे उसमें सीईओ फाउंडर थे हमारे टीसीएस कंपनी के ललित कनोडिया, डॉक्टर ललित कनोडिया। फिर उसके बाद जो हमारे नॉर्मल चीफ गेस्ट थे वो थे हमारे नाइसा के प्रेसिडेंट कुलभूषण शर्मा, हमारे एक और चीफ गेस्ट थे वो थे हमारे अमित चंद्रा जो थे सेंटर ऑफ सिविल सोसाइटी के प्रेसिडेंट, बड़े बड़े चीफ गेस्ट के वहाँ पे थे जिन्होंने हमको ये सब अवार्ड दिए। अवार्ड एमपी पे 6th पोजीशन के लिए मिला है, और ऑल इंडिया 57 रैंक के लिए मिला है, और नागदा में फर्स्ट पोजीशन के लिए अवार्ड मिला है। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि यश पब्लिक स्कूल खुले ऑल एमपी के अंदर 6th पोजीशन लगता है, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। और वर्धमान स्कूल लगातार मेरिट देने के कारण मेरिट के लिए अवार्ड मिला है, ये भी हमारे लिए बहुत खुशी की बात है।